दाऊद मेरा नाम है। मैंने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रखी है, मैंने अपना परिवार तक भी नहीं बनाया और मैं कॉलेज के लिए काम करती रही। शायद मेरी किस्मत में नहीं थी आप लोगों की खिदमत करना। हिंदुस्तान में इलेक्शन का माहौल बिल्कुल हिंदी मसाला फिल्मों की तरह होता है, जिसमें वादे होते हैं, एक्शन होता है, नफरत होती है, प्यार होता है और ड्रामा वो तो भर भर के होता है। खत्म कर दिया। जहां एक ओर टिकट मिलने वालों के घर बहार आ जाती है, वहीं दूसरी ओर टिकट ना मिलने वालों के दिल टूट जाते हैं। मुझे अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि मत इस जगह अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नेताओं को देखने वाले हैं जिन्होंने खुद को पार्टी द्वारा ठगा हुआ पाया। बहुत प्यार मिला आप लोगों, बहुत आपने बहुत इज्जत की सभी लोगों को। चलो कोई नहीं भाई साहब, हम आप ही के साथ हैं, खत्म कर दिया ना। ये है पूर्व बीजेपी लीडर दिगंबर सिंह धाकरे, जिन्होंने आगरा के खेरागढ़ से निर्दलीय नामांकन किया। नेताजी प्रदेश कानून मंत्री एसपी सिंह के करीबी थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार टिकट मिल ही जाएगा, पर उनका कहना है कि ऐन वक्त पर मना करके उनके साथ धोखा किया गया। रोते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें खत्म कर दिया गया। चलो कोई नहीं भाई, भी आप ही के साथ हैं, खत्म कर दिया ना। कुछ दिन पहले बसपा के नेता अरशद राणा का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो रोकर मुजफ्फरपुर थाने में अपनी राम कहानी सुना रहे थे। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि मत इस जगह अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का हेड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग ब्लैक भाई सब कुछ मैं कर रहा हूं सर, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये है मथुरा में भाजपा के नेता एस के शर्मा। शर्मा जी भी अपनों के मारे हैं। जब इनका टिकट कटा तो बेचारे फूट फूट कर रोने लगे, आवाज भर आई, गला बैठ गया और गमछे से आंसू पोंछते हुए उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुनिए। अत्याचार होती है, एक निर्पम मतलब गौ हत्या की जाती है, मजदूर में आदमी पार्टी छोड़ता है, इस तरह से मेरी हत्या की गई है शादी के तहत। ये है अलीगढ़ के सपा नेता आदित्य ठाकुर। टिकट ना मिलने से नाराज नेताजी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या तक करने की कोशिश कर डाली थी। हमने पार्टी के लिए अपनी पूरी जवानी लगा दी, हमें टिकट नहीं दिया। समाजवादी ठाकुर आदित्य जरूरी समाजवादी मेरा नाम है, मैं यहाँ आत्महत्या करूंगा, हर हालत में करूंगा। आप रोक लो, आप थाने में बंद कर दो, आप जेल में बंद कर दो, गाड़ी मंगाओ, गाड़ी जल्दी मंगाओ। मेरे साथ क्या हुआ है आज, मेरे साथ क्यों ना इंसाफी हो रही है, मुझे इंसाफ चाहिए प्रियंका दीदी। कांग्रेस नेत्री महराज जहां को उम्मीद थी कि मुजफ्फरपुर विधानसभा सदर सीट से टिकट उनको मिलेगा, पर हुआ क्या आप खुद देखिए। मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका दीदी, आपने तो अपना परिवार भी बनाया, मैंने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रखी, मैंने अपना परिवार तक भी नहीं बनाया और मैं कांग्रेस के लिए काम करती रही। मैंने दिन रात मेहनत की, जो ऊपर से आदेश आते रहे वो आदेश का पालन भी करती रही। ये है जावेद राइन, जो जिला बिजनौर बढ़ापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नेता हैं। टिकट ना मिलने पर इनके आंसू छलक पड़े और वीडियो बनाकर इन्होंने अपनी बात रखी। बहुत प्यार मिला आप लोगों, बहुत आपने बहुत इज्जत की सभी लोगों ने। जब भी किसी ने मुझे याद किया उसके दुख में सब में खड़ा होने का काम मैंने किया है, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया कभी भी। शायद मेरी किस्मत में नहीं थी आप लोगों की खिदमत करना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।